हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नर्सिंग हेल्थ टॉक, दैट इज हेल्थ टॉक ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। थ्रू दिस वीडियो यू लर्न दिस हेल्थ टॉक वेरी इजीली। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स, हेल्थ टॉक ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में ब्रेस्ट फीडिंग का हेल्थ टॉक यहाँ लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट पेज जो हेल्थ टॉक का बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कॉलेज का नाम, देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, तो नेक्स्ट सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाई, एंड लास्ट में डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रंट पेज बनाते हैं हेल्थ टॉक का। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके। सबसे पहले लिखना है हमको यहाँ कॉलेज का नाम, जो आपका कॉलेज का नाम लिख सकते हो यहाँ पर हेल्थ टॉक ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ये हमारा हेडिंग होगा। नेक्स्ट सबमिटेड टू, यहाँ पर टीचर का नाम लिखना है, और सबमिटेड बाई में नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर जो हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने वाला है, और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन जो भी हमको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, और आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें सबसे पहले हमको लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, मीन्स जो स्टूडेंट हेल्थ टॉक लेने जा रहा है उसका नाम आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास, टॉपिक, टाइम, ड्यूरेशन, डेट, लैंग्वेज, मेथड ऑफ टीचिंग, एबीएट्स, चार्ट, ओएचपी, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, जो भी आप यूज करने वाले हैं लिख सकते हो। नेक्स्ट प्लेस यहाँ पर जहाँ मेल टॉक लेने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रामपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेम ऑफ एवेल्युएटर जो आपका टीचर है उसका नाम लिखना है, और ग्रुप में पोस्ट नेटल मदर जिनको हम हेल्थ टॉक देने जा रहे हैं, पोस्ट नेटल मदर यहाँ पर ग्रुप होगा। नेक्स्ट प्रीवियस नॉलेज में लिखना है हमको जो पोस्ट नेटल मदर है उनका हमको नॉलेज असेस करना है, कि मीन्स वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बेनिफिट्स और ब्रेस्ट मिल्क और टेक्निक्स, पोजीशन, इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानते हैं कि नहीं, ये सारा हमको उनसे असेस करना है। तो यहाँ लिखना है टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पोस्ट नेटल मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है पर टू गिव प्रॉपर नॉलेज टू पोस्ट नेटल मदर रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड एंड ऑफ द टीचिंग द ग्रुप विल बी एबल टू नो अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स बेनिफिट, टेक्निक्स एंड डिफरेंट पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं यहाँ पर, एट द एंड ऑफ हेल्थ टॉक द ग्रुप इज एबल टू एक्सप्लेन, टू डिफाइन ब्रेस्ट फीडिंग, टू एनालाइज टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, टू एक्सप्लेन बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, टू डेमोस्ट्रेट डिफरेंट ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन एंड अटैचमेंट। नेक्स्ट to describe the breastfeeding techniques and to discuss about the sign of effective breastfeeding। तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद यहाँ हमको एक फॉर्मेट तैयार करना है, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एबीएट्स एंड एवेल्यूएशन। इस तरह से हम यहाँ एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पर लिखना है सबसे पहले सीरियल नंबर, जिसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू मेक रैपोर्ट विद ग्रुप, मीन जो पोस्ट नेटल मदर है उनसे हमको रैपोर्ट बनाना है, मीन्स एक तरह से वर्किंग रिलेशनशिप, थेरापेटिक रिलेशनशिप। टाइम होगा 1 मिनट का, कंटेंट यहाँ होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, मीन्स जो स्टूडेंट टीचर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा, जैसे कि यहाँ पर माई सेल्फ नेहा कुमारी, बी एस सी नर्सिंग, फोर्थ ईयर स्टूडेंट फ्रॉम श्री गुरु कृपा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इस तरह से अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर होगा इंट्रोडक्शन द टॉपिक विद ग्रुप, मीन्स जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे यहाँ है ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है ग्रुप को, पोस्ट नेटल मदर को। टाइम 2 मिनट्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखना है हमको, टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इज द ऑप्टिमल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, द
ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना। नेक्स्ट लेक्चर का हम डिस्कशन या हमारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होगा इस तरह से। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे देखते हैं, टू असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप, मीन्स जो पोस्टनेटल मदर ग्रुप से उन काम को नॉलेज असेस करना अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पर टाइम 2 मिनट्स का होगा। प्रीवियस नॉलेज हमको असेस करना है यहाँ पर। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन टेक्निक्स एंड इट्स बेनिफिट, इस तरह से हम क्वेश्चन आस्किंग कर सकते हैं फॉर चेकिंग प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट नंबर फोर्थ पर, टू डिफाइन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग का डेफिनेशन लिखना है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग इज द प्रोसेस बाई विच ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज फेड टू चाइल्ड। ब्रेस्ट मिल्क में भी फ्रॉम द ब्रेस्ट और मे बी एक्सप्रेक्ट बाई हैंड और पम्प्ड एंड फेड टू द इन्फेंट। तो यहाँ डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट इसमें एबिट्स वर्बलाइजेशन और एवेल्यूशन लिखना है। बट डू मीन अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं नंबर फिफ्थ पर, यहाँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा द टू एनलिस्ट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बताना है हमारा। ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप्स का होता है, टाइम 3 मिनट्स का होगा। इस कंटेंट में टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, फर्स्ट कोलेस्ट्रम और अर्ली मिल्क के बारे में लिखना है। पर कोलेस्ट्रम और अर्ली मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन द लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टिल 4th day आफ्टर डिलीवरी एंड इज रिच इन एंटीबॉडीज। सेकेंड मिल्क हो गया हमारा जो ह्यूमन मिल्क होता है, सेकंड जो कोलेस्ट्रम के बाद। ट्रांजिशनल मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम 4 to 10 days, 4 दिन के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। इज लोअर इन प्रोटीन इन कंपेरिजन टू कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट नंबर थर्ड, मैच्योर मिल्क, मैच्योर मिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 10 days आफ्टर डिलीवरी अप अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग्स। तो डिफरेंट टाइप्स के मिल्क प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रम सबसे पहले, देन सेकंड ट्रांजिशनल एंड मैच्योर मिल्क। ये हम प्लेस कार्ड पर एबीएट्स का यूज करके यहाँ बता सकते हैं। नेक्स्ट एनालिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क यहाँ पर हमारा एवेल्यूशन होगा। नंबर 6 पर हमारा कंटेंट होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा टू एक्सप्लेन बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग्स के। यहाँ पर हमको बेनिफिट्स और एडवांटेजेस बताने हैं जिसमें टाइम 6 मिनट का होगा। कंटेंट होगा बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू इन्फेंट, इन्फेंट के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे यहाँ पर देखते हैं। हेल्प इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डेवलपमेंट एंड फंक्शन, सेकंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, नंबर थर्ड हेल्पिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट, नेक्स्ट रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिड्यूस रिस्क ऑफ ओबेसिटी। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क टू मदर, सॉरी बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू मदर, यहाँ पर एनहेंस अर्ली मैटरनल इन्फेंट बॉन्ड एड इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प इन लॉस ऑफ द एक्सेस वेट अकर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलॉन्ग एनओवुलेशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखते हैं, इनकम सेविंग, decreases need for hospitalization, mother are more economically productive since they will spend less time caring for a sick child। तो ये हमारा यहाँ पर होगा advantages और benefits of breastfeeding। इसको हम यहाँ पर चार्ट पर एवेट्स का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर evaluation में what are the different advantages of breastfeeding, ये हमारा evaluation होगा। नंबर 7 देखते हैं पर, टू डेमोन्स्ट्रेट ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन एंड अटैचमेंट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, टाइम 8 मिनट का होगा। ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन यहाँ पर कंटेंट्स में देखते हैं, क्रेडल होल्ड पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन है क्रेडल होल्ड, दिस इज द मोस्ट कॉमन पोजिशन यूज बाई द मदर। इन्फेंट्स हेड इज सपोर्टेड इन द एल्बो, द बैक एंड बटक्स इज सपोर्टेड बाई द आर्म एंड लिफ्टेड टू ब्रेस्ट। तो ये हम यहाँ पर पोस्टर के थ्रू इस पोजीशन को शो कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी एड्स होगा हमारा क्रेडल
वर्ल्ड पोजीशन का नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, फुटबॉल होल्ड पोजीशन, द इन्फेंट्स इज प्लेस्ड अंडर द आर्म लाइक होल्डिंग ए फुटबॉल, बेबीज बॉडी सपोर्टेड विद द फोर आर्म एंड द हेड इज सपोर्टेड विद द हैंड एंड गुड पोजीशन आफ्टर ऑपरेटिव पोजीशन ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर सेकंड पोस्टर में हम फुटबॉल होल्ड पोजीशन को शो कर सकते हैं। ए बेट्स में थर्ड होगा साइड लाइन पोजीशन, द मदर लाइज ऑन हर साइड प्रॉपिंग अप हर हेड एंड शोल्डर विद पिलो, द इन्फेंट इज ऑल्सो लाइंग डाउन फेसिंग द मदर, गुड पोजिशन आफ्टर सीजेरियन सेक्शन, अलाउ द न्यू मदर सम रेस्ट। तो थर्ड पोस्टर में हम साइड लाइन पोजिशन यहाँ शो करेंगे इन हेल्थ टीचिंग। नंबर फोर्थ क्रॉस क्रेडल पोजिशन, यहाँ पर आइडियल फॉर अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, मदर होल्ड द बेबी क्रॉस वाइज इन द क्रॉक ऑफ द आर्म अपोजिट द ब्रेस्ट, द इन्फेंट इज टू फेड द बेबीज ट्रंक एंड हेड आर सपोर्टेड विद द फोर आर्म एंड पाम, एंड द अदर हैंड इज प्लेस्ड बीनीथ द ब्रेस्ट इन ए यू शेप टू गाइड द बेबीज माउथ टू योर ब्रेस्ट। तो इस तरह से क्रॉस क्रेडल पोजिशन को भी हम यहाँ हेल्टॉग में पोस्टर में शो करेंगे। तो ये डिफरेंट पोजीशन और अटैचमेंट थे ब्रेस्ट फीडिंग के जो हम यहाँ हेल्थ टॉक में बताएंगे, और इसको जो डिफरेंट पोजीशन है उसको यहाँ शो करेंगे ए बी एड्स में। और यहाँ पर एवेल्यूशन होगा डेमोन्स्ट्रेट एनी वन पोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ये हम एवेल्यूशन में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पोस्टर में क्रेडल होल्ड पोजिशन का, नेक्स्ट फुटबॉल होल्ड, साइड लाइन पोजिशन एंड क्रॉस क्रेडल पोजिशन। तो ये डिफरेंट पोजिशन को हमको यहाँ हेल्थ टॉक में शो करना है। नेक्स्ट नंबर एट, टू डिस्क्राइब द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, ये फोर टाइम्स होगा फोर मिनट्स का। कंटेंट में देखते हैं गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, द बेबी शुड बी प्रॉपरली पोजिशन टू द अचीव इफेक्टिव लैचिंग, द माउथ सॉरी द मदर शुड वियर कंफर्टेबल अपेरल विद द ब्रेस्ट वेल एक्सपोज फॉर द इन्फेंट टू बी एबल टू लैच द इन्फेंट्स माउथ, चेन एंड अम्बिलिकस शुड बी lined up with the head in a neutral position, the infant is brought to the breast with the nose touching or close to the breast, next the gum lines should overlap the areola and the nipple straight back into the mouth, next the tongue moves forward beyond the lower gum cupped and forming a reservoir। तो यहाँ ये होगा गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, इसको हम चार्ट्स में यहाँ एविड्स यूज करेंगे और यहाँ एवेल्यूशन होगा व्हाट आर द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा टू डिस्कस अबाउट द साइन ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, टाइम होगा फोर मिनट्स का। कंटेंट में देखते हैं साइड ऑफ साइंस ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, फ्रिक्वेंट फीडिंग 8 to 12 टाइम्स डेली, इंटरमिटेंट एपिसोड ऑफ रिदमिक सकिंग विद द ऑडिबल स्वेलो शुड बी हेयर्ड वाइल द इन्फेंट इज नर्सिंग, इन्फेंट शुड हैव अबाउट 6 to 8 वेट डायपर इन 24 आवर्स पीरियड, वंस ब्रेस्ट फीडिंग इज एस्टेब्लिश एंड इन्फेंट शुड हैव मिनिमम 3 to 4 बाउल मूवमेंट एवरी 24 आवर्स, स्टूल शुड बी अबाउट 1 teaspoon or larger and should be soft and yellow after 3 days. Average daily weight gain of 15 to 30 gram. Next, infant has regained birth weight by day 10 of life. तो यहाँ लिखना है हमको साइन ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसको भी हम चार्ट में शो करेंगे और एवेल्यूशन का डिस्क्राइब द साइन ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट होगा हमारे यहाँ पर कंक्लूजन 10 नंबर का, यहाँ पर कंटेंट होगा कंक्लूजन, 2 मिनट्स टाइम होगा। कंक्लूजन में हमको लिखना है पर ह्यूमन मिल्क इज ह्यूमन स्पेसिफिक एंड कंटेन न्यूट्रिएंट दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न, ब्रेस्ट मिल्क इज बेनिफिशियल टू बोथ इन्फेंट एंड मदर, प्रॉपर पोजिशनिंग ऑन द ब्रेस्ट हेल्प एंश्योर द एडिक्वेट लैचिंग ऑन एंड सब्सिक्वेंटली एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ कंक्लूजन में लिखना है नेक्स्ट एंड नंबर
11 में टू समराइज टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है उसको समराइज करना है, 2 मिनट्स टाइम होगा समराइज में। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, टेक्निक्स, पोजिशन, साइंस ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ पर हमको समराइजेशन में एक शॉर्ट में सारा हमको बताना है। नेक्स्ट रिकैपिटलाइजेशन में एक तरह से जो भी हमारा इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर जो हमने कंटेंट्स हैं उनके बारे में हमको एक बार फिर से पूछना है, दोहराना है उनको। टू रिकैपिटलाइजेस टॉपिक टाइम 2 मिनट्स। रिकैपिटलाइजेशन में डिफाइन ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट आर द साइन ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड टेल मी अबाउट द डिफरेंट पोजिशंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये रिकैपिटलाइजेशन में जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो हमारा कंटेंट की उनको हमको फिर से यहाँ पर दोहराना है इस तरह से। यह हेल्थ टॉक का लास्ट स्टेप होगा। फ्रेंड्स एक बार फिर से देखते हैं, स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले यहाँ पर जो फ्रंट पेज तैयार किया है, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डाटा जो स्टूडेंट के टीचर के बारे में होंगे, नेक्स्ट प्रीवियस नॉलेज, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हमको यहाँ फॉर्मेट तैयार करना है जिसमें सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टाइम, कंटेंट, टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी, एवीएट्स, एवेल्यूएशन लिखना है। फर्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, थर्ड प्रीवियस नॉलेज, फोर्थ डेफिनेशन, फिफ्थ होगा टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, नेक्स्ट 6 होगा बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, नंबर 7 पर ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस जो हमने यहाँ पोस्टर में शो की हुई है, डिफरेंट ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस। इसके बाद होगा गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, साइंस ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, नेक्स्ट कंक्लूजन, इसके बाद नेक्स्ट समराइजेशन और लास्ट में रिकैप्सुलाइजेशन जो हमारा टॉपिक है। तो इस तरह से हम हेल्थ टॉक को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने ब्रेस्ट फीडिंग का हेल्थ टॉक यहाँ लर्न किया। आपको वीडियो कैसा लगा है इसके लिए अपने लाइक ज़रूर भेजिएगा और हमारे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और हमारे YouTube चैनल आनंद सब नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।